हमें कितनी मोहब्बत है तुमसे ये मैं कभी बयां ना कर पाई, कि हमें कितनी मोहब्बत है तुमसे मैं ये कभी बयां ना कर पाई, मेरे अनकहे लफ्ज़ों को समझने को तैयार हो क्या। कि हमें कितनी फ़िक्र है तुम्हारी, कि हमें कितनी फ़िक्र है तुम्हारी इसका मैं कभी जिक्र ना कर पाई, कि हमें कितनी फ़िक्र है तुम्हारी मैं इसका कभी जिक्र ना कर पाई, मेरी अंधे की फ़िक्र को महसूस करने को तैयार हो क्या। कि हमें कितनी जलन होती है, हमें कितनी जलन होती है तुम्हारे किसी दूसरे शख्स से बात करने से, कि हमें कितनी जलन होती है तुम्हारे किसी और से बात करने पर ये मैं कभी बता ना पाई, आज बताओ मेरी जलन बुझाने के लिए तैयार हो क्या। कि कितना खिलता है मेरा मन, कि कितना खिलता है मेरा मन तुम्हारी एक मुस्कुराहट को देखकर, कि कितना खिलता है मेरा मन तुम्हारी एक मुस्कुराहट को देखकर, फिर भी मैं उसे कभी जी भर के देख ना पाई, आज बताओ मेरी मुस्कुराहट का रीज़न बनने को तैयार हो क्या। कितना विचलता है मेरा मन, कितना विचलता है मेरा मन तुम्हारी एक छोटी सी चोट लगने पर, कितना विचलता है मेरा मन तुम्हारी छोटी सी एक चोट लगने पर मैं फिर भी उसे कभी गौर से देख ना पाई, आज बताओ मुझसे पट्टी करवाने को तैयार हो क्या। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना, कि कितना अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना, पर फिर भी मैं इतना ज़्यादा कुछ जान ना पाई, आज बताओ एम आई एबल टू बी ए पार्ट ऑफ योर फैमिली, अपनी फैमिली का एक मेम्बर बनाने को मैं तैयार हो क्या। कि कितना दुखता है मेरा मन, कितना दुखता है मेरा मन तुम्हारी एक बाय कहने से, फिर भी मैं तुम्हें कभी रोक ना पाई, आज बताओ सातों जन्म रुकने के लिए तैयार हो क्या। इतना सब कैसे लिख दिया मैंने, इतना सब कैसे लिख दिया मैंने मैं खुद हैरान हूँ, इतना सब कैसे लिख दिया मैंने मैं खुद हैरान हूँ, लेकिन कुछ अनकहे लफ्ज अब भी बाकी हैं। इतना सब कैसे लिख दिया मैंने मैं खुद हैरान हूँ, कुछ अनकहे लफ्ज अब भी बाकी हैं इस चित्रा के दिल में, जो शायद मैं कभी कह ना पाऊँ, आज बताओ मेरी अधूरी चाहत को पूरा करने को तैयार हो क्या। वो जो बात बात पर हमें साजन के गलियारे याद दिला देते हैं, वो जो बात बात पर हमें साजन के गलियारे याद दिला देते हैं, थोड़ी बहस क्या हो जाए वो हमें कचरे का डिब्बा बता देते हैं, किसी और की तो हिम्मत ही क्या जनाब, किसी और की तो हिम्मत ही क्या जनाब, अरे तुम सब जानते हो उन्हें, तुम सब जानते हो उन्हें, वो हमारे घर के पालतू कुत्ते, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, वो तो हमारे घर के इज्जतदार लोग, वफादार हमारे भाई कहलाते हैं। वो जो अपने बाबू से मिलने के लिए हमारी गुल्लक तोड़ते हैं, वो जो अपने बाबू से मिलने के लिए हमारी गुल्लक तोड़ा करते हैं, हम थोड़ी सी शरारत क्या करते हैं, हमारा मुँह फोड़ा करते हैं, जरा सा पापा का नाम लेने पर वो सोफे के पीछे बैठा करते हैं, वो कोई और नहीं जनाब हमारे भाई हुआ करते हैं। वो जो दिन भर अपने दोस्त की सस्ती बाइक पर बैठ के KTM के राइडर बना करते हैं, वो जो दिन भर अपने दोस्त की सस्ती सी बाइक पर बैठ के KTM के हैवी राइडर बना करते हैं, उनका दोस्त अगर हमें हंसकर भी देख ले तो उसे माँ बहन की गालियाँ दिया करते हैं, हमें कोई नज़र उठाकर देख ले बस फिर तो वो हमारी हिफाजत के लिए अपने सारे यारे बाइक सहारा छोड़ दिया करते हैं, वो जो खुद से ज़्यादा हमारी हिफाजत करते हैं वही तो हमारे भाई हुआ करते हैं। वो जो दिन भर शीशे के आगे खुद को ऋतिक रोशन की तरह सजाया करते हैं, हैं जैसे वो चांद के टुकड़े, उस तरीके से खुद को निहारा करते हैं, हम बन जाए अगर हेमा मालिनी तो भी वो हमें चुड़ैली कहा करते हैं, अरे वो कोई और नहीं जो हमें नए नए नामों से पुकारा करते हैं वही तो हमारे भाई हुआ करते हैं। वन मोर लाइन रिमेन्स, वो जो हमारे हर काम में टांग अड़ाया करते हैं ये ना कर वो ना कर, हमारी हर एक्टिविटी पर खुफिया नज़र अड़ाया करते हैं, लेकिन अगर मम्मी पापा हमें ज़रा भी पिंजरे में बंद करें तो वो हमारी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, अरे हाँ वो कोई और नहीं हमारे मम्मी के मगरमच्छ हमारे भाई कहलाया करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।